हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस के बारे में। डीबीएमएस की पहली डेफिनेशन देखते हैं। ए डीबीएमएस इज ए सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स दी ऑर्गेनाइजेशन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल ऑफ डेटा इन ए डेटाबेस। एक डेटाबेस क्या होता है? ए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस को कंट्रोल करता है, उसमें डाटा स्टोर करता है, डाटा को ऑर्गेनाइज करता है, वो डाटा को मैनेज करता है, और जो स्टोरेज डाटा है उनको रिट्रीव करता है क्वेरी के अनुसार। ठीक है, और ये क्वेरी क्या आती है आगे बताएंगे। फिर सेकंड डेफिनेशन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें जो एक एंड यूजर्स है उसके लिए उपयोगी है। और वो डीबीएमएस क्या करता है, उस डेटाबेस में जो एंड यूजर ने बैक एंड है उसको क्या है, उसमें डेटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैनेज करता है और डेटाबेस को कंट्रोल करने का काम करता है। और एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की सहायता से ही जो एंड यूजर्स है वह करड एप्लीकेशन है वह परफॉर्म करता है। करड मानी डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसमें रीड करता है कंटेंट्स, उसमें अपडेट करता है या उसमें से डाटा डिलीट करता है। तो ये चार करड ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकता है यूजर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की सहायता से। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। वैसे तो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं नीड के अनुसार, लेकिन कुछ यहाँ पे पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। जैसे पहला है माई एसक्यूएल है, वह वेरी पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। माई एसक्यूएल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये डीबीएमएस होता है एक, जहाँ पे एम करता है माई एसक्यूएल के आप जाते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब इसमें क्वेरी करके डाटा को क्रेड एप्लीकेशन परफॉर्म की जाती है। दूसरा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। ओरेकल, ये सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। फिर RDBMS है, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि MySQL से यूज करता है। फिर है DBS, फॉक्स प्रो, SQL सर्वर, पोस्ट ग्रे SQL एटसेट्रा। ये कुछ पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बताना चाहता था कि DBMS क्या होता है और इसके पॉपुलर DBMS कौन कौन से होते हैं। ओके फ्रेंड्स।